वैसे तो यार मार्केट में आपको काफी सारे फोन्स मिल जाते हैं जो कि आपको अराउंड 25,000 रुपीस की प्राइस पर काफी अच्छी गेमिंग करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सच में एक अच्छा सा और तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन लेना है तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट पावरफुल गेमिंग फोन्स अराउंड 25,000 रुपीस। वैसे दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर सभी स्मार्टफोन के प्रोस और कॉन्स के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने जो 3 स्मार्टफोन्स पिक किए हैं उन्हें हमने यहाँ पर रैंक किया हुआ है ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर हमने जो स्मार्टफोन रखा है वो आता है यहाँ पर Xiaomi की तरफ से, Xiaomi का 11i। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में। तो ये फोन आपको फुल्ली ग्लास बिल्ड पर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ आपको यहाँ पर ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। हल्का फुल्का वाटर प्रूफ है, साथ ही साथ रही बात डिजाइन की तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5 mm का जैक दिया गया है, लेकिन ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं तो ऑडियो के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। कार्ड ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। चलिए यूजर इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, जहां पर आपको मिलता है MIUI 12.5। हालांकि दोस्तों यहां पर MIUI 13 का जो अपडेट है उसे भी रोल आउट कर दिया गया है। तो दोस्तों देखा जाए तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले। फोन की डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, HDR10 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाता है और अप टू 1200 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। गेमिंग वगैरह के लिए आपको यहाँ पर 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 360Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाती है। तो इस फोन की भी जो डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों वो आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। चलिए कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, और देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर काफी अच्छा है, साथ ही साथ डे लाइट में फोटोज भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की तो दोस्तों यहाँ पर आप मैक्सिमम अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से अप टू 30 FPS, और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। कैमराज भी फोन के आपको यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट के बारे में। दोस्तों ये फोन आता है MediaTek Dimensity 920 चिपसेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये 900 से थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि आपको मिलता है 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर। यहाँ पर भी आपको हीटिंग वगैरह की शिकायतें बहुत ही कम मिलती हैं और फोन की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा पावरफुल मिलती है। डे टू डे परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर बटरी स्मूथ मिलती है, और रही बात गेमिंग की दोस्तों तो यहाँ पर आपको लगभग 5 लाख के आसपास के औसत स्कोर मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस फोन की काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ पर हैवी गेमिंग वगैरह भी काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। और इन सभी के अलावा फोन के अंदर UFS 2.2 वाला स्टोरेज लगा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर फोन की पढ़ने और लिखने की शक्ति तो तेज है ही, साथ ही में आपको यहाँ पर ऐप लोडिंग टाइम भी फास्ट मिल जाता है, तो फोन की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वहाँ पर आपको कोई भी खास दिक्कत नहीं आती। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस के बारे में। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलती है 5160 mAh की बैटरी, तो बैटरी साइज अच्छा है, आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिलता है, और साथ ही में ये फोन 67 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है, तो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के प्रोज के बारे में। तो यहाँ पर आपको 120Hz की AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, अप टू 1200 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस, MediaTek Dimensity 920 जैसा पावरफुल चिपसेट, और साथ ही में 67 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है सिर्फ और सिर्फ 7 5G बैंड के साथ में, तो इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। कॉन्स की बात करें भाई तो यहाँ पर आपको जो UI मिल रहा है वहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको मिलते हैं, तो इस बात को भी आप बिल्कुल भी ख्याल में रखिएगा। 6GB रैम और 128GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते हैं 25,000 रुपये, लेकिन
वैसे दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन का हाइपर चार्ज वाला वेरिएंट भी आता है, लेकिन अच्छी बात वो भी है कि आपको यहाँ पर 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो अगर आप यहाँ पर बजट बढ़ा करके हाइपर चार्ज लेना चाहें तो उसकी तरफ भी आप देख सकते हैं। लेकिन के जो बेस्ट बाय लिंक्स है दोस्तों वो हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने अगले फ़ोन की तरफ। वैसे दोस्तों इस बजट के अंदर आपको IQ का Z6 Pro ये भी काफ़ी कमाल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं IQ Z5 से, तो दोस्तों IQ Z5 आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर लेवल की गेमिंग करा सकता है। इसलिए दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं IQ का Z5। पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों फोन का जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पर भी काफी अच्छा मिल जाता है, ताकि प्लास्टिक बिल्ड पर बना स्मार्टफोन है, जो कि आप भी देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर ही दिया गया है, 3.5 mm वाले जैक मिल जाते हैं, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन आपको इस फोन के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिए गए। जी हाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको कोई भी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता। लेकिन अदर फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिस ये काफी अच्छी बात है। साथ ही में ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 11 के फन टच OS 12 पर, तो ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको इस फोन के अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन्हें अनस्टॉल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस होने वाला है फोन का वो आपको पहले से काफी बेटर मिलेगा। हाँ तो भाई अब बारी है यहाँ पर स्मार्टफोन के मेन फीचर्स की। तो शुरू करते हैं फोन के डिस्प्ले से। सो एक बार फिर से आपको इस फोन के अंदर मिलने वाली 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही में पेंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है, HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 650 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दी गई है। गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। तो देखा जाए यार तो यहाँ पर जो तो ओवरऑल दोस्तों इस फोन की भी जो डिस्प्ले वो आपको काफी अच्छी मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। तो बैक साइड का जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफी अच्छा है और आपको यहाँ पर काफी अच्छी इमेजेस भी देखने को मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहाँ पर अल्ट्रा HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है 60 FPS पर। तो दोस्तों देखा जाए तो बैक कैमरा मॉड्यूल काफी स्ट्रांग आपको यहाँ पर मिलता है, और वहीं पर सामने की तरफ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जहां पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फुल HD की 30 FPS पर। तो कैमरा परफॉर्मेंस हो या फिर कैमरा आउटपुट, इस फोन में आपको यहां पर कैमरा के मामले में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती। और दोस्तों इन सभी को यहां पर शक्ति प्रदान करने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 778G का चिपसेट। ये चिपसेट भी 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, और अंततः स्कोर की बात करें तो लगभग आपको यहां पर 511,000 के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं। तो यार बहुत ही ज्यादा और अच्छे स्कोर हैं, तो परफॉर्मेंस और गेमिंग वगैरह आप यहां पर काफी स्मूथली कर सकते हैं। और इस फोन के अंदर भी आपको यहां पर फ्लैगशिप लेवल की LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। तो देखा जाए दोस्तों तो यहां पर जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो और भी बटरी स्मूथ मिल जाएगी। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग वगैरह में आपको इस फोन में भी कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती। इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, साथ ही में 44 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 44 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। तो बैटरी मॉड्यूल दोस्तों इस फोन का भी आपको काफी ज्यादा पावरफुल मिल जाता है। तो यार ये तो स्मार्टफोन 5G है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर फोन की ये है कि फोन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। सो इस मामले में ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो फोन की स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि आपको यहाँ पर कैमरास काफी अच्छे मिल रहे हैं, डिस्प्ले भी काफी अच्छी मिल जाएगी, साथ में बैटरी बैकअप भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलने वाला है। सो अगर आप यहाँ पर इन तीनों चीजों के लिए स्मार्टफोन को कंसिडर करना चाहें तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। 8 GB की रैम प्लस 4 GB की वर्चुअल रैम और 128 GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते हैं 23,990 रुपए। लेकिन दोस्तों अभी Amazon पर आपको 3,000 रुपए तक का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए की प्राइस पर मिल रहा है। गेमिंग के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो काफी पावरफुल स्मार्टफोन है, अगर आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने इस लिस्ट के आखिरी फोन की। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा कॉस्टली जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक सच में ट्रू गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहें तो आपके लिए पेश है यहाँ पर IQ का Neo 6। देखा जाए यार तो ये फोन भी प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना हुआ है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल की है, डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा ही दिया गया है। और इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको दिया गया है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर,
साथ ही में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है, तो गेमिंग के वक्त या फिर दोस्तों कंटेंट कंज्यूम करते वक्त आपको यहां पर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको कोई भी कार्ड ऑप्शन नहीं दिए गए हैं और 3.5mm का जैक भी आपको फोन के अंदर नहीं मिलता है। लेकिन अगर यूजर इंटरफेस की बात कर ले तो ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 बेस पन टच ओएस 12 पर, तो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस फोन की अच्छी रहती है, वहां पर आपको कोई खास दिक्कत नहीं आती। चलिए दोस्तों ये तो हुए बेसिक फीचर्स, बात कर लेते हैं मेन फीचर्स के बारे में। इस फोन के अंदर आपको दी गई है 6.62 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही में पैंडा ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है और अप टू 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो भाई यार इनडोर हो या फिर आउटडोर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। गेमिंग की बात कर ले तो 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाती है, और गेमिंग के वक्त आपको यहां पर 1200 हर्ट्ज की इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। सो देखा जाए यार तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर टॉप नॉच मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, साथ ही में OIS का सपोर्ट आपको यहां पर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर दिया गया है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है, इमेज क्वालिटी भी आपको यहां पर काफी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें तो आप यहां पर बैक कैमरा से अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30fps, और फ्रंट कैमरा से आपको यहां पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30fps। फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी काफी कमाल का है, यहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आती। चलिए बात कर लेते हैं अब यहां पर फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फोन के अंदर एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट लगा हुआ है, तो दोस्तों ये फोन आता है Qualcomm Snapdragon 870K 5G चिपसेट के साथ में। दोस्तों ये चिपसेट बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो हीटिंग वगैरह की शिकायतें पहले से ही काफी कम आती थी, और इस फोन के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है, इस वजह से परफॉर्मेंस यहां पर और भी ज्यादा इन्हांस हो जाती है। गाइस ये स्मार्टफोन स्कोर करता है AnTuTu पर लगभग 7.5 लाख के आसपास, जो कि यार इस बजट के हिसाब से टॉप नॉच है। तो परफॉर्मेंस आपको यहां पर कमाल की मिलती है, गेमिंग वगैरह आप यहां पर प्रो लेवल की कर सकते हैं, और अगर आप यहां पर एक कंटेंट क्रिएटर है तो वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग जैसे टास्क भी आप यहां पर इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ फोन के अंदर लगा हुआ है UFS 3.1 का स्टोरेज, जो कि आपको रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी काफी फास्ट निकाल कर देता है। परफॉर्मेंस दोस्तों फोन के अंदर आपको यहां पर टॉप नॉच मिलती है। इन सभी के अलावा अगर फोन के पावर हाउस की बात की जाए तो फोन के अंदर आपको मिलती है 4700mAh की बैटरी, हालांकि साइज थोड़ा सा छोटा जरूर है क्योंकि मीडियम यूजिंग पर आपको यहां पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है। साथ ही में ये फोन 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और दोस्तों यहां पर कंपनी का क्लेम यह है कि ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है, जो कि काफी कमाल की बात है। साथ ही में चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो बैटरी मॉड्यूल फोन का यहां पर धमाकेदार है, टॉप नॉच आपको यहां पर परफॉर्मेंस मिल जाती है, तो फोन के मामले में दोस्तों आपको कहीं भी कोई शिकायत नहीं आती। और गाइस अगर आप यहां पर सच में एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन लेना चाहें तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं, जहां पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस डिस्प्ले तो, और दोस्तों यहां पर आपको पावर पैक बैटरी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, तो आपको यहां पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात फोन की प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए नॉर्मली आपको 30,000 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर यहां पर आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद इफेक्टिवली आप स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ 27,000 रुपये की प्राइस पर चेकआउट कर सकते हैं। और 27,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए यार तो थोड़ा सा ही बजट बढ़ाना है, लेकिन काफ़ी तगड़ा फोन आपको मिल जाएगा, और अगर आप चाहें यार तो डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं सभी की जो। सो फाइनली गाइस ये थे वो टॉप 3 गेमिंग फोन्स जो कि आपको मिल जाते हैं अराउंड 25,000 रुपीज़ के आसपास में। वैसे अगर आप यहां पर अच्छे फीचर्स और तगड़ी गेमिंग करना चाहें तो मेरी राय में आपको यहां पर iQOO Neo 6 के साथ में ही जाना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको यहां पर कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो उन्हें भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिए। हाँ दोस्तों उम्मीद है यार कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।